यशोमती मैया के नंदलाला। लो पाना महाराज भी आ गए हमारा साथ देने। आज कोई किसी का साथ नहीं देगा। इनके भूख मिटा दे बे। आपने साथ दिया था ना, लगता है ये उसी लिए धन्यवाद देने आए हैं। इस कंठक को अपना उपहार समझ लेना जाऊ। तब तो वानर महाराज को धन्यवाद और ये उपहार तुम्हें देना चाहिए का ना। और हाँ, इससे मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। आप नए मित्रों की सहायता कर सकते हो। अपनी पुरानी मित्रों की सहायता ना करोगे दाऊ? तुम सत्यवादी हो, सत्य कहो मधुमंगल, क्या करना चाहिए? अनैतिक कारण से चोरी करना अधर्म है, पर बात किसी के अधिकार की हो तो चुप रहना भी उचित ना है। ठीक है, मैं तुम सबके साथ हूँ। देखो जी, इन भोले भाले बालकों को जे भी ना पता कि इनके मैया बाबा कितनी बड़ी भूल करने वाले हैं। तो बताता ना, किसी घर से आराम करना चाहिए हमें। वसंता, नाना मेरे घर से ना। उज्जवल, मेरे घर तो असंभव है का ना। मेरी मैया और दादी किसी योद्धा से कम ना है। आग गड़ा के दिन रात सुरक्षा करती है मटकी की। नल्ला मुरली इधर ही छोड़ गए हैं, मैं देख के आती हूँ जी। इतनी गंभीर चर्चा चल रही है और यशोदा को खाना की मुरली की पड़ी। पर किसी ना किसी के घर से तो आरंभ करना पड़ेगा। किसके घर और क्या आरंभ करना पड़ेगा? हाँ, बोल मधुमंगल। सत्यवादी से मत पूछो भैया, ये तो सारा रहस्य खोल कर रख देगो। मैया ये देखो कंठ, ननन बुरा जाने कहां से ले आई इसे। अच्छा, तो तुम सब घर घर जाके जे पता लगाना चाह रहे थे कि जे किसका है ना? स्वर्ण का तो ना लग रहा है, पर हाँ किसी की वस्तु है तो उसे लौटाना तो पड़ेगा ही। मैं बताती हूँ तुम सबको किसके किसके घर जाना है। यहाँ से निकलते ही पहला घर आएगा सरजू का, फिर आएगा बिरजू का घर, फिर दीक्षा, फिर राम प्यारी और फिर अब इतने सारे नाम तुम लोग कैसे स्मरण रखोगे? रुको, मैं सूची बना के देती हूँ। रुको जी, जी, हाँ, सूची। व्यवधान मत ही डालो, किसी का नाम भूल गई तो? जाने अनजाने ताई जी भी सौर्य विद्या प्रसारण टोल की सदस्य बन गई है आज। तुम सब मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या खिचड़ी पक रही है? लो, प्रभावती का तो नाम ही भूल गई, इसीलिए कह रही थी व्यवधान मत ही डालो। ले, अब तुम सब इसकी सहायता से एक एक करके सबके घर जा सकते हो। आप बहुत अच्छी हो मैया, चलो चले।
अरे अब आप कहाँ चलिए? ऐसे हाथ पर हाथ धरे ना बैठ सकते हो यशोदा। उपनंद भैया से चर्चा करने जा रहा हूँ, हो सकता है कोई उपाय सूझ जाए। खाना बताना, सबसे पहले किसका घर लिखो है? मैया का आदेश है उज्जवल, सूची का पालन तो करना ही पड़ेगा। शीघ्र ही सुलक्षणा की तरह बहुत सारे आभूषण पहनकर घूमूंगी मैं भी। अब क्या हुआ कान्हा? जिनकी आवश्यकता हमसे अधिक है उन्हें अपना अधिकार भी हमसे पहले मिलना चाहिए। ना तो पैर ही है, चोरी करना असंभव है। किसी को छूने भी ना दूंगी मैं मकर। अरे दादी नींद में बड़बड़ा रही हैं, पर समस्या ये है कि सारा का सारा दूध दही माखन उनके कक्ष में है। तो फिर सबसे पहले हमें कक्ष में प्रवेश का बार खोजना चाहिए। मैं वही उपाय अपनाऊंगा जो मैं मैया के साथ अपना तो हूँ। क्या हुकु चल। चलो बड़े सौभाग्य उसने है पाए कान्हा जिसके
घर से माखन चुराए, पूरी टोली को माखन खिलाए, बड़ा नटखट है नंद किशोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। कान्हा तुझे पीना भी ना तो देख ऐसे पीते हैं। पर पेट तो तभी भरेगो जब माखन मिलेगो। ऊपर माखन है का? दूध दही खाके जो बल आयो है ना उसका प्रयोग करते हैं और पर्वत बनाते हैं। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली, चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नखट बड़ा चिचोर। कोई हाथ भी मत लगाइयो मेरे माखन को, बहुत सारा धन अर्जित करूंगी मैं, बहुत सारा। हो गयो कल्याण, मट्टी के ढक्कन में जल भरवा है। तनिक भी मट्टी लाए तो सारा जल तेरी दादी के ऊपर जल जाएगा। बचपन हमारे कोलाहल से उठे ना उठे पर जल की बूंदे पड़ते ही दादी झट से खड़ी उठ जाएंगी। दूध दही से इतना भी बदला मिला था कि अधिक देर तक पर्वत में नहीं रह पाए। जो करनो है शीघ्र करो। वसंता पूजा करते कमल का फूल लिया। उज्जवल की दादी प्रतिदिन चढ़ाती है लक्ष्मी नारायण को। नानो मैना दान आएगो तो पकड़े जाएंगे, फिर क्या दशा होगी हमारी। कान्हा तुझे कैसे पता कि मेरी दादी प्रतिदिन कमल का फूल चढ़ाती है? फिर से फसगो, ये तो ना बोल सकतो, मैं ही नारायण हूँ, मुझे ही चढ़ाती है ना वो। मैं नहीं बताया। आरती क्यों करूँ और पर्वत संभालो, दादी उड़ गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हे नारायण, मुझसे ना अपने पति की चिंता देखी ना जा रही, कछु खा के भी ना गए, अब आप ही संभालो अपने गोकुलवासियों को। हाँ नहीं तो
लो, इन सब के चक्कर में तू उसकी मुरली देना ही भूल गई। अब जो इतनी कड़ी धूप में वापस लौटे, इस सच्चा मैं ही देके आती हूँ। सूची के अनुसार अब तक संकरी मौसी के यहाँ पहुंचे होंगे सारे के सारे। आज तो प्रभु रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। मट्ठी तो उठ ही ना रही है। अधिक देर तक जे पर्वत ना सक पाएगो। यहाँ से माका निकाल के दे दूंगी। स्वयं हाथों से अपने ये बाटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर। उसी मट्ठी उतारने का प्रयास करो काना। अब तक तो हल्की भी हो गई होगी। ना भी तो बहुत भारी है दाऊ। तो मैं कुछ सहायता कर दूं? दादी बोली होगी सपने में। अपनी मैया का स्वर भी ना पहचाने दोस्त। बुरे फंसे। देख क्या रही हो चाची, अपने खाना को ऐसे ही लट के रहने दोगी? चाची और कितनी बदसाली भी हो। आपने अपने काना को गिरने से बचा लियो आज। दादी अनुचित कहती है चाची, पूरे गोकुल में आपसे अच्छा कोई है ही ना। अच्छा, और गोकुल ही क्यों, मैं तो कहता हूँ पूरे ब्रज में आपसे। बस बस, पहले माखन चुरायो, अब मुझे माखन लगा रहे है। पर तू बच ना पाएगो काना, तुझे अभी सीधा जीजी के पास लेके जाऊंगी मैं। नहीं। चाची आप जानकी और सावित्री मौसी जैसे मुझ पर आरोप लगा रही हो। रोज छोड़ के एक बार मेरी और देखो तो सही। बताओ मैं इतना भूला भला चोरी कर सकता हूँ क्या? मैं तो बस उज्जवल की सहायता कर रहा था चाची। उसने कही थी कि उसको आजकल माखन ना मिल तो बस इसलिए। मुझे क्यों फंसा रहे हो गाना? सिंगे तुम सब वो देखो। आप दोनों सो रहे थे ना चाची, इसीलिए विवश होकर हमें अपने आप माखन निकालने पड़ो। अरे अरे रो मत कान्हा, मैं तुझे डांट नहीं रही थी। चल बस चुप हो जा। काना
माँ सिगरेट आकर छोटी में आ रही है। वो माखन का पात्र जो सदैव आप मेरे लिए छुपा के रखती हो वो मुझे नहीं दोगे चाची? माखन के उस पात्र के बारे में इसे कैसे पता चला? ना दो कि तो मैं जा रहा हूँ मैं। अच्छा रुको, मैं अभी लाती हूँ। सही कह रहे थे नंदराज, मैंने इतना समझायो इन्हें, इन पर तो कोई प्रभाव ही ना पड़ो। प्रभावती भी लगतो इन सब ने ना निर्णय ले लियो है। ये ले। अब मैं जाऊं? चोर, चोर, तेरा इतना साहस, मेरी आंखों के सामने तुमने माखन चुराया, कान्हा,